आपने नोटिस किया होगा जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, तो उसका जो क्वालिटी है ना उतना क्रिस्पी नहीं आता है, काफ़ी कैसा ब्लरी टाइप का रहता है, क्यूब क्यूब टाइप का, अजीब टाइप का क्वालिटी रहता है उसका। आप तब सोचते हो कि मैंने जब रिकॉर्ड किया था कैमरा में तो क्वालिटी बहुत बढ़िया था भाई, इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही था, तो क्वालिटी इतना ज़्यादा ड्रॉप क्यों हो गया है। अब फिर आप सोचते हो कि शायद मेरा कैमरा उतना सही नहीं है, कैपेबल नहीं है, आप सोचते हो कि लाइफ में कभी बड़ा होऊंगा, प्रोग्रेस करूंगा तो एक बढ़िया कैमरा खरीदूंगा, तब मेरी मेरा क्वालिटी सही आए। लेकिन मैं बता दूं, प्रॉब्लम आपके कैमरे में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ स्टेप्स है जो आप स्किप कर रहे हो, जिस वजह से आपका क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप अपना फुटेज का क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ऑलमोस्ट 5 times आप बढ़ा सकते हो अपने फुटेज का क्वालिटी। तो हे गाइस, मैं हूं संजय फ्रॉम गैसिंग बीट्स, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, कुछ बातें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम कैमराज में ना, जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हो, वो फुटेज 8:64 फॉर्मेट में आपके कैमरा में सेव होता है। मतलब आप जब भी कैप्चर कर रहे हो तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले कंप्रेस होता है 8:64 फॉर्मेट में, फिर जाके आपके कार्ड में सेव होता है वो फुटेज। बस आप ये समझ लीजिए, बहुत एक बढ़िया क्वालिटी, बड़ा क्वालिटी, उसको स्क्वीज करके बहुत छोटा बनाया जाता है ताकि वो काफ़ी कम जगह ले। अगर आपके कैमरा में बहुत लार्ज फाइल साइज अगर सेव होने लग गया तो बहुत जल्दी आपका कार्ड भर जाएगा। तो इसी वजह से कैमरा में 8:64 फॉर्मेट में आपके फुटेज को कंप्रेस किया जाता है, फिर जाके कार्ड में सेव किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उस कंप्रेस किए हुए फाइल को अनकंप्रेस करना है ताकि वो जितना भी क्वालिटी है उसको हम रिकवर कर पाएँ। तो किसी भी कंप्रेस फाइल को अनकंप्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट कोडेक माना जाता है एपल प्रोग्रेस को। तो किसी फुटेज को अनकंप्रेस करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए बहुत तरह के आप सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं जो पसंद करता हूँ वो है एडोब मीडिया इनकोडर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो आपको मतलब फुल क्वालिटी नहीं दे पाते हैं या बहुत सारा क्वालिटी लॉस हो जाता है। जब भी आप किसी फाइल को कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत क्वालिटी लॉस होता ही है, लेकिन एडोब मीडिया इनकोडर में मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा है। मुझको पता है कि ये कम से कम क्वालिटी लॉस में मुझको फाइल रिकवर करके देगा, कन्वर्ट करके देगा। तो मैं आज उसमें आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको अनकंप्रेस फाइल को अनकंप्रेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये करना है कि इस प्लस आइकॉन पे आना है और आपको एक नया प्रीसेट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक नाम दे देंगे, जो भी नाम आप देना चाहो, मैं प्रोड्यूस दे रहा हूँ। फॉर्मेट में आपको चूज़ करना है क्विक टाइम, और यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एप्पल प्रोड्यूस बोल के बहुत सारा है यहाँ पे, तो हमें इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ये नॉर्मल है, ये मीडियम है, और ये हाईएस्ट है। एचक्यू मतलब ये जो भी हाईएस्ट पॉसिबल है वो आपको इसमें मिलेगा। तो अभी आपको कुछ नहीं छेड़ना है, मेक श्योर इन दोनों में टिक हो। अब आपको सीधा नीचे आना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एक क्लिक यहाँ करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, एक कुछ भी नहीं छेड़ना है यहाँ पे, बस सिंपली यहाँ पे ओके दबाना है। अब देखोगे आपका प्रीसेट यहाँ पे आ गया है, जो भी नाम आप दोगे उस नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको उन रॉ फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो। ओके, तो सपोज़ मुझे इसे कन्वर्ट करना है, इस फाइल को, इस वीडियो फाइल को, तो इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ड्रैग करके आपको इस प्रीसेट के ऊपर ड्रॉप करना है इसको। तो यहाँ पे इस प्रीसेट के साथ ही वीडियो इंपोर्ट हो जाएगा। एक क्विक टिप देना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग कोई डेस्टिनेशन सिलेक्ट नहीं करते हैं, पता नहीं चलता है फुटेज कहाँ पर आके एक्सपोर्ट होता है, कहाँ सेव होता है, हम लोग ढूंढते रह जाते हैं उसको। तो वैसा सिचुएशन ना आए तो यहाँ पे जो तरीका है फाइल में जाके करना पड़ता है, लेकिन मैं वो नहीं करता, मुझको वो सही नहीं लगता है। यहाँ पे एक शॉर्टकट है, बट बस आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप कोई भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। अगर मान लो यहाँ पे आपने बहुत सारा फुटेज इंपोर्ट किया तो सबको सिलेक्ट करके आपको बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस प्ले आइकन पे, तो आपका वीडियो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ कन्वर्ट करने के बाद इसका फाइल साइज़ एग्जैक्टली कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फाइल है कन्वर्ट करने से पहले और उसके बाद। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको फाइल साइज़ दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 758 MB का फाइल है, और ये कन्वर्ट करने के बाद मतलब अनकंप्रेस करने के बाद इसका फाइल साइज़ ज़रा देखिए, ऑलमोस्ट 5 times डबल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सही से एक्सपोर्ट करना इसको। अगर आप सही से एक्सपोर्ट ही ना करो तो आपके फुटेज में उतना सारा इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं पाएगा ताकि वो काफ़ी हाई क्वालिटी का दिख सके। तो सबसे पहले आपको ऊपर जाना है, फॉर्मेट में यहाँ पे 8:64 सिलेक्ट करना है, और इसको छेड़ना नहीं है, इसको मैं यूज़ करता भी नहीं हूँ वैसे। आपको सीधा नीचे आना है, यहाँ पे फ्रेम रेट वगैरह जो भी हो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेंड्राइट मैक्सिमम डेप्थ, उसके बाद बस इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है बिट रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 3 options दिया हुआ है, सबसे ऊपर है CBR, VBR 1 pass, VBR 2 pass। तो सबसे पहले समझते हैं CBR क्या है। CBR में जब भी आप जाओगे तो आपको एक बस एक सिंगल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप चाहो तो बिट रेट कितने बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो।
तो यहाँ पे बेसिकली आप जितना ही बिट रेट रखोगे हर एक फ्रेम को उतना ही बिट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो VBR 2 पास पे, तो यहाँ पे आप मिनिमम बिट रेट मैक्सिमम बिट रेट रख सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं 30 रखता हूँ और यहाँ पे 35 रखता हूँ, तो अभी प्रीमियर प्रो खुद एनालाइज करेगा जिस फ्रेम को अच्छा दिखने के लिए कम बिट रेट चाहिए वो फ्रेम कम बिट रेट में रेंडर होगा, और जो फ्रेम जिस फ्रेम को हाई बिट रेट चाहिए अच्छा दिखने के लिए खूबसूरत दिखने के लिए वो हाई बिट रेट लेगा। तो हम यहाँ पे लोएस्ट एंड हाईएस्ट यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं अपने मर्जी से। तो अगर आप फुल एचडी में वीडियो रेंडर करना चाहते हो तो ये 30-35 रहने दे। लेकिन ये VBR 2 पास प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है ये रेंडर होने में। अगर आपको बहुत जल्दी रेंडर करना है तो आप CBR के साथ ही जाएं। लेकिन हाँ, CBR में आपको बहुत ज़्यादा फाइल साइज देखने को मिलेगा। अच्छा, मान लेते हैं आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसको कंप्लीट होने के बाद आप अपने पास एक बैकअप फाइल रखना चाहते हो जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी हो, तो आप उस मास्टर फाइल को ProRes पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको ये करना है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे क्विक टाइम सेलेक्ट करना है, और प्रीसेट में यहाँ बाय डिफॉल्ट आ गया है, लेकिन अगर ना आए तो आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ये बेसिकली मीडियम क्वालिटी के लिए, ये हाई क्वालिटी के लिए है, तो मुझको हाई क्वालिटी चाहिए। बस आप अगर इन दोनों में टिक कर दोगे तो बस ये काफ़ी है। बस अगर आप इसको अभी एक्सपोर्ट कर दोगे तो ये इसका फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको आप एज अ बैकअप अपने पास रख सकते हो। लेकिन किसी को भेजना है या क्लाइंट को देना है या कहीं अपलोड करना है तो सबसे बेस्ट फॉर्मेट यही है H.264, क्योंकि ऑब्वियसली एप्पल ProRes फॉर्मेट हर जगह सपोर्ट नहीं करता है। आप ऐसे ही प्ले नहीं कर पाओगे किसी प्लेयर पे, आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना ही पड़ेगा तभी वो प्ले हो पाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को हाईएस्ट क्वालिटी में रेंडर कर सकते हो। तो गाइस, बेसिकली यही था आज का वीडियो। आप खुद मुझे कमेंट में बताओ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वाकई में था या नहीं था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये पहला कंटेंट है हमारे चैनल पे, और फ्यूचर में भी ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने वाले हैं अगर आप एक क्रिएटर हो तो। और अगर आप क्रिएटर नहीं भी हो फिर भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट और भी आने वाले हैं फ्यूचर में, हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बोलता है भाई एडिट करने के बाद क्यों पता नहीं क्वालिटी इतना बेकार क्यों आता है, कैमरा में तो सही दिखता है सब कुछ लेकिन जब भी एक्सपोर्ट करता हूँ तो क्वालिटी इतना बेकार क्यों आता है, ऐसा कोई कंप्लेन करता हो तो प्लीज़ उससे वीडियो शेयर करो, ये काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और ये हमारे चैनल का ये पहला वीडियो था, आप कमेंट में प्लीज़ बताना, और भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे और भी इंप्रूवमेंट लाने का। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।